चैनल किचन प्रिज्म। आज हम बनाएंगे दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ग्रीन वाली उड़द की दाल 6-7 घंटे पहले सोख करके रख दी थी। ब्लैक कलर की उड़द दाल आती है जिसमें छिलके थोड़े से ब्लैक कलर के होते हैं, इसमें थोड़े से ग्रीन कलर के हैं। ये अच्छे से सोख हो गई है। मैंने इस कटोरी से 2 कटोरी उड़द की दाल सोख की है। मेरे पास ये छिलके वाली उड़द की दाल थी तो मैंने यही यूज कर ली। अगर आपके पास बिना छिलके वाली दाल है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको छिलके उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसे वॉश करके इसके छिलके अलग कर लेते हैं। ये देखिए दाल मैंने वॉश करके रेडी कर ली है। एक आधे छिलके रह जाते हैं धोते वक्त, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इस दाल को एक मिक्सर जार में ट्रांसफर करके इसको पीस लेंगे। दाल पीसते समय एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें पीसते वक्त ज्यादा पानी नहीं डालना है, पानी उतना ही डालना है जिससे दाल पिस जाए। ये देखिए इस तरह से दाल पीस के हम रेडी कर लेंगे और हम इस दाल को इस थाली पे निकाल लेंगे क्योंकि अभी इसे फेंटना है तो इसे फेंटने में आसानी रहेगी। ये देखिए सारी दाल मैंने पीस के रेडी कर ली है। अब हम इसे फेंटेंगे, इस तरह से इसे हाथ से अच्छे से फेंटेंगे। हमें इसको तब तक फेंटना है जब तक ये बिल्कुल फ्लफी और लाइट ना हो जाए, और उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि इसे कैसे चेक करना है। अगर आपको सॉफ्ट दही बड़े बनाने हैं तो ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है। इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी सॉफ्ट दही बड़े बनाने के लिए। इसे मैंने अच्छे से 3-4 मिनट तक फेंट लिया है। तो चलिए अब इसे चेक करते हैं कि ये दही बड़े बनाने के लिए रेडी है कि नहीं। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, इसमें हम थोड़ी सी ये दाल डालेंगे। अगर ये फ्लोट करेगी तो इसका मतलब दाल बिल्कुल परफेक्ट है। और ये देखिए ये पानी में फ्लोट कर रही है। ये देखिए ये पानी में बिल्कुल भी सिंक नहीं हो रही है। हमें ऐसे ही दाल को फेंटना है जब तक ये पानी में फ्लोट ना करने लगे। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसके लिए दही रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने दही लिया है, ये 1 किलो दही है। ये दही बहुत थिक है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। और इसे एक मथानी से मथ लेंगे जिससे ये दही स्मूथ हो जाए। दही को मैंने अच्छे से मथ लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच व्हाइट सॉल्ट और 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही रेडी है, अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं आप वो ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और हींग। जीरा चटक गया है, अब हम इसे दही में तड़का लगा देंगे। इसको डाल के इसे लिड से अच्छे से कवर कर देंगे जिससे इसका फ्लेवर जो है वो अच्छे से दही में आ जाए। ये देखिए हमारा दही बड़े के लिए दही रेडी है। अब जो हमने दाल फेंट के रखी थी उसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे। और ये मैंने अदरक ली है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, और ग्रीन चिलीज ये भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी दाल रेडी है। तो चलिए अब हम दही बड़े बनाते हैं। दही बड़े तलने के लिए यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, इसे हम हल्का सा गुनगुना कर लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम हाथ को थोड़ा सा पानी में डिप कर लेंगे। और इस तरह से हमें जितना बड़ा दही बड़ा बनाना है उतना दाल लेके हम इस तरह से उसे थंब से प्रेस करके ऑयल में डाल देंगे।
एक बार में जितने आए उतने इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था कि दाल को पीसते समय उसमें ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि अगर पानी ज्यादा हो जाएगा और दाल तो तलते समय ये ज्यादा तेल अब्सॉर्ब करेंगे। दही बड़े फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब ये जो मैंने पानी को गुनगुना करके रखा था, ये जो दही बड़े फ्राई करे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है दही बड़ों का। और हम इसे इसी में थोड़ी देर पड़ा रहने देते हैं जब तक हम दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। अब जो हमने ये दही बड़े पानी में डाल के रखे हैं, इनको हल्का सा प्रेस कर लेंगे इस तरह से, जिससे इसका थोड़ा सा एक्सेस वाटर निकल जाए और इन्हें दही में ट्रांसफर कर देंगे। आपको बहुत जेंटली प्रेस करना है। ये देखिए कितना सॉफ्ट दही बड़ा हो गया है। इसे हम ज्यादा प्रेस कर देंगे तो ये अभी से फटने लगेगा, इसीलिए हमें बहुत जेंटली इसे प्रेस करना है। अब जो हमने न्यू बैच बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे पानी में, और यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे। जो लोग किचन में बिगनर्स होते हैं उनके लिए दही बड़ा बनाना अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो तो आप इस स्पून ट्रिक से बना सकते हैं। थोड़ा सा दही बड़े का बैटर ले लीजिए और दूसरी स्पून पे थोड़ा सा वाटर लगा के इसे इस तरह से ऑयल में स्लाइड कर दीजिए। इसी तरह से आप सारे दही बड़े बना सकते हैं। थोड़े से फ्लैट दिख रहे होंगे बट ये जैसे ही तेल में पकेंगे तो ये फूल के बड़े हो जाएंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे से फूल गए हैं, स्पून की मदद से भी कितने अच्छे दही बड़े बन गए। ये देखिए सारे दही बड़े बनकर रेडी हैं, बहुत ही सॉफ्ट दही बड़े बनकर रेडी हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इन्हें हाथ से ही उठाऊंगी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं, तो स्पून लगाऊंगी तो ये फट सकते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट दही बड़ा बना है। ये देखिए आप इस दही बड़े को बनाकर जरूर ट्राई करिए। आप इसे खिचड़ी के साथ या फिर किसी चीज के भी साथ सर्व करिए और इसे एंजॉय करिए। मैं अब आपको एक चटनी के साथ भी लगा के दिखाती हूँ। ग्रीन चटनी, खट्टी मीठी चटनी, थोड़ा सा व्हाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, भुना हुआ जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर। ये देखिए हमारे चटनी वाले दही बड़े भी बनकर रेडी हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको ये दही बड़े की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, इससे हमारे वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं एक और नई और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।